विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। माता की आज्ञा पर द्वार रक्षक बने पार्वती नंदन, किंतु फिर अनजाने में हो गया पिता महादेव के हाथों स्वयं उनके ही पुत्र का वध, जिसके परिणाम स्वरूप माँ की पीड़ा और संताप से जागृत हुई क्रोधाग्नि देवी पार्वती की, और जिसे देख कांप उठे समस्त देवगण। अब आगे। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है, उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए। प्रिय, अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाशी नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। जो
64 योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली। जैसे माता से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए ही हमारी ओर पड़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। देवराज, इन योगनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया है इन 10 महाविद्याओं ने और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। ज्वालामुखी के समान है माता आदि शक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संगारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है और हाँ जब फटता है तो चारों दिशाओं में संगार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी। सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। आप सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण, बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमें मुक्त कर दीजिए, कर दीजिए, हमें मार दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। अग्निदेव, कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो? रुको और अपना दंड स्वीकार करो। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। किसकी गर्जना है? देवी तारा,
अपने विकराल रूप में? अग्निदेव, मुझसे अपना बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहां उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है? दूर रहने में ही आपकी भलाई है, दूर रहिए मुझसे। इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है, यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। ठहरो यमराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। देवराज, बहुत दम है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर। आज देवताओं के साथ तुम्हारा अहंकार भी मिट जाएगा। काली, देवी, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है।
सूर्यदेव! मैंने कहा था ना, आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने, पार्वती। यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूं तुम्हारा दोषी, मुझे निगल कर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं, मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था। हाँ ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थाम कर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहां मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें, इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे? अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए।
मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। रक्षा कीजिए प्रभु, सुनिए हमारी गुहार, सुनिए हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे भक्षणों से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं महादेव? माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा? जीवित कीजिए नाथ। धैर्य रखो माँ, बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। किसका शीश होगा वो? माँ,